हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल एट दी रेट आर फ्री क्लासेस में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर कंपटीशन के, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन है। तो देखेंगे आज पहला क्लास है हिंदी का। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्रिया विश्लेषण अव्यय चुनिए। पहला दे रखा है कुत्ता भौंक रहा है राम, दूसरा है राम खाना खा रहा है, तीसरा देखा दिया हुआ है ऑप्शन में अधिक मत बोलो, चौथा में दे रखा है राधा राधा रात भर जागती रही। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन कीजिएगा कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है। तो क्रिया विशेषण आप जानते ही होंगे, क्रिया विशेषण के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। मुख्यतः कितने प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें जैसे कि उसमें कभी कभी, प्राय, सदा, दिन दिन भर, रात भर आदि के जैसे यूज किया जाता है। दूसरा है परिमाण वाचक क्रिया विश्लेषण, जैसे कि उसमें जैसा कम, अधिक, ज्यादा आदि का यूज किया जाता है। तीसरा कौची है, चलिए देखिएगा। पहला है आपका कालवाचक, थोड़ा डीपली मैं बता देता हूं, फिर तो ऑप्शन आप तब तक कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा किसका राइट आंसर क्या होगा। तो दूसरा होता है परिमाण वाचक, तीसरा होता है स्थान वाचक, और चौथा होता है रीति रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण। क्रिया विश्लेषण ठीक है, चारों आपको तो पता हो गया कौन कौन होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें पॉइंट कुछ मैं बताता हूं, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा ताकि आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आपको समझ में आ सके। तो कितने प्रकार के होते हैं टोटल, कितने 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से ये देख रहे होंगे। तो कालवाचक में कैसे हम लोग कहते हैं, कभी कभी, कभी कभी, ठीक है, प्राय, सदा, दिन भर, रात भर, ये किसमें यूज किया जाता है, काल वाचक में, ठीक है। चलिए दूसरा, दूसरा में हम लोग देखते हैं कौन सा रहता है, परी मानवाचक, विश्लेषण। इसमें आप देखते होंगे इसमें यूज किया जाता है जैसे कम, ठीक है, अधिक, ज्यादा आदि का यूज किया जाता है। चलिए तीसरा, जल्दी जल्दी हम पॉइंट आपको, थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा नहीं लूंगा, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं। तो तीसरा पॉइंट में क्या आ जाता है, अंदर, जो कि स्थानवाचक में अंदर, बाहर, ऊपर आदि का, नीचे आदि का यूज किया जाता है, ठीक है। चौथा में हम लोग देखेंगे, चलिए चौथा नंबर पॉइंट में हम जान रहे हैं कि रीतिवाचक, रीतिवाचक में कहा जाता है धीरे, तेज, धीरे धीरे, अचानक, इसको यूज किया जाता है। तो उसी तरह से जो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, तो आप देख रहे होंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण अधिक मत बोलना, अधिक मत बोलो, ये कौन सा है, अधिक मत बोलो, वाक्य में मत जो है
निपात के रूप में प्रयुक्त है, परंतु मत रीतिवाचक विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त है। अतः कौन सा होगा राइट आंसर, जल्दी बताइएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, रात भर जग रही है। क्रिया विश्लेषण, निम्नलिखित क्रिया विश्लेषण अब एक चुनिए, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, डी। ठीक है, चल नेक्स्ट। तो देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। देख रहे होंगे आरपीएफ जीडी यूपी पुलिस बिहार पुलिस में पूछा गया, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा होगा। धन से ज्यादा मानवता प्रबल, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, धन कमाने वाला अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि राइट आंसर क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इस राइट आंसर, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, धन की पूजा जो है व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। ठीक है, चलिए मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अरे फ्री क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली सेट आता है, आप मेरे चैनल पे आप डेली अपडेट रहेंगे तो आपको पहली बार आप मेरे क्लास को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द तुर्की भाषा नहीं है। पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। जल्दी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, एसएससी एमटीएससी यूडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है तो बहुत को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो देख रहे होंगे कि पैगंबर कौन सी भाषा है, तुर्की भाषा नहीं है बल्कि ये क्या है, अरबी भाषा है। कौन सी भाषा है पैगंबर, अरबी भाषा है। पैगंबर का अर्थ क्या होता है, पैग देने वाला, पैगाम देने वाला जो होता है, पैगंबर का मतलब होता है पैगाम देने वाला। जबकि बेगम और जो बेगम है या चेचक है या बारूद है, ये सब तुर्की भाषा है, ये सब कब क्या है, तुर्की भाषा है। ठीक है, कौन सा राइट आंसर इसमें पूछ रहा था, तुर्की भाषा नहीं है तो वो है पैगंबर, ये अरबी भाषा है, राइट आंसर ए। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो अरे फ्री क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेक अर्थी है। औषधि, सार, तत्व, जीवन। आरपीएफ जीडीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो देख रहे होंगे अनेक अर्थी मतलब जीवन का अनेक अर्थी शब्द क्या क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जल प्राण पुत्र जिंदगी जीव निहित आदि, इस तरह का सार मतलब तत्व का, ये इस तरह का सार जो है अर्थ है, जिसको तत्व निसर्स रस रसा धन लाभ आदि का भी यूज किया जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपवाक पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। संज्ञा, उपवाक, विश्लेषण उपवाक, क्रिया विश्लेषण उपवाक, क्रिया उपवाक। तो जल्दी इस कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देख रहे होंगे वह आदमी कल आया था आज भी आया है, तो ये कौन सा है बताइएगा। राइट आंसर विश्लेषण उपवाक, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट,
नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ख घ ज झ। ये आरपीएफ जीडीए यूपी पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो आर फ्री क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो आर फ्री क्लासेस को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। किसी तरह का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो देखेंगे कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। इज राइट आंसर सी ज। नेक्स्ट, सातवां नंबर, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वै प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। जल्दी से कमेंट से कमेंट कीजिएगा। इज राइट आंसर सी खवैया। खाना क्रिया में बैया प्रत्यय लगाने से खवैया शब्द बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आठवां नंबर, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइएगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। आरपीएफ एसआई जीडी ग्रुप डी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आर फ्री क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए, तो साकेत महाकाव्य का रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य का रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। कौन सा? मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर सी। चलिए, नौवां नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, उड़ना। जल्दी से कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा। आरपीएफ जीडीएसआई बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी 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 कमेंट कीजिएगा। तो देख रहे हो किस पूछ रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो अप शब्द अपवाद में उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा है, प्रभाव में प्रा है, लेकिन ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। इज राइट आंसर डी। इज राइट आंसर डी। चलिए, दस नंबर क्वेश्चन, बताइएगा लिंग बताइए। मनगढ़ंत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभय लिंग, नपुंसक लिंग। कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन आरपीएफ जीडीएसआई यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं चैनल पे पहली बार आए हैं तो आर फ्री क्लासेस जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये आप देख रहे होंगे कि हिंदी का सेट है, सेट नंबर फर्स्ट आज था, पहला क्लास था हिंदी का। डेली क्लास 10 AM में आता है, मॉर्निंग 10 बजे, इसलिए मैं क्लास को जरूर ज्वाइन करने की कोशिश करें। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SSC, रेलवे, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी क्वेश्चन हिंदी पूछे जाते हैं, उनकी बहुत महत्व है, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहें, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे सभी। तो चलिए, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद।